खोराबर थाने की पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के जंगल अयोध्या प्रसाद टोला मड़हला में एक कच्चे मकान के पीछे अवैध कच्ची शराब बना रही चार महिलाओं को महिला पुलिस टीम की मदद से गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम में कच्ची शराब भट्टियों और लहन को नष्ट करते हुए मौके से 100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। गिरफ्तार की गई महिला कच्ची शराब कारोबारियों की पहचान राजमती पत्नी स्वर्गीय वासुदेव फोटो पत्नी बाड़ू रितु पत्नी पप्पू शांति देवी पत्नी सुग्रीव के रूप में हुई है। चारों आरोपी महिलाएं जंगल अयोध्या प्रसाद टोला मड़हला थाना खोराबार थाना जनपद गोरखपुर के अस्थाई निवासी हैं। इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि कच्ची शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में खोराबार थाने की पुलिस द्वारा चार महिला कच्ची शराब कारोबारियों को महिला पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी निरीक्षक नासिर हुसैन, उप निरीक्षक रवि सेन यादव, पंकज कुमार सिंह, महिला कांस्टेबल आस्था सिंह, साक्षी रावत, अंकिता सिंह, प्रतिमा सिंह, ज्योति सिंह, अनामिका, पूजा भारती और कांस्टेबल मुकेश कुमार सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब के प्रति अभियान चल रहा था, इसमें खोराबार पुलिस द्वारा आज लगभग 100 लीटर अपमिश्रित शराब पाई गई है, जिसमें से चार महिलाएं जो लगातार ये कार्य कर रही हैं वो गिरफ्तार हुई हैं। उनके पास से शराब भी बरामद हुई है। आज उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सर, इन महिलाओं के पीछे कुछ पुरुष भी है या नहीं? ये अलग अलग हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पुरुष बाहर रहते हैं, वो लगातार ये कार्य करती रहती हैं। पहले भी ऐसी महिलाएं जेल गई थी, ऐसे चिन्हित करके जो पेशेवर लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और भी महिलाओं से जुड़ी हुई हैं सर? निश्चित से पता किया जा रहा है, जो भी लोग ऐसे कार्य में संलिप्त होंगे उनके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होगी।